तो भाई ये हेलमेट जो है सबसे बेस्ट चीज़ भाई यार, कितना लाइट वेट और फिटिंग के साथ क्या मस्त लग रहा है ये हेलमेट। तो दोस्तों जो फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लाइट फील हो रहा है, मतलब ऐसे दबा दबा सा फील नहीं हो रहा है। कुछ भी कहो कंफर्टेबल बहुत है ये हेलमेट, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है, कंफर्ट बढ़िया है भाई इस हेलमेट में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आ गए SNK के इस हेलमेट का हम राइड रिव्यू, ठीक है? तो इसको चला के दिखाते हैं एंड बताते हैं आपको कैसा फील होता है इस बाइक के, इस हेलमेट के साथ। वेल, हेलमेट की अगर आप लुक देखोगे तो भाई बहुत ही प्यारा जो है हेलमेट है, और स्पेशली इसका जो वाइज़र है बहुत बढ़िया लगता है, और ऐसे से कुछ पैडिंग है, वन शेल जो ये हेलमेट है, और ABS मटेरियल के साथ जो है इसका शेल आता है, तो ऐसा तो कुछ है। बाकी ये है एक राइड रिव्यू, तो चलाते हैं इसको एंड बताते हैं आपको एक्सपीरियंस कैसा होता है, थोड़ा सा दौड़ा के भी दिखाएंगे बाइक को तो आपको एक्सपीरियंस पता चले। तो भाई ये हेलमेट जो है सबसे बेस्ट चीज़ भाई यार, कितना लाइट वेट और फिटिंग के साथ क्या मस्त लग रहा है ये हेलमेट। तो दोस्तों जो फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लाइट फील हो रहा है, मतलब ऐसे दबा दबा सा फील नहीं हो रहा है, और ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब चलाते हैं एंड फिर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसा रहता है, ठीक है? और उसी के साथ साथ इसको बंद करने के बाद लुक देख लो एक बारी भाई, लुक बड़ा ख़तरनाक है भाई। तो चलाते हैं अब एंड भाई साहब यार कुछ भी कहो कंफर्टेबल बहुत है ये हेलमेट, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है, कंफर्ट बढ़िया है भाई इस हेलमेट में। साउंड वगैरह बहुत कम आ रहा है और विंड नॉइज़ जो होता है ना काफ़ी कम आ रहा है, वैसे आपको आवाज़ से पता चल ही जाएगा, विंड नॉइज़ काफ़ी कम आ रहा है, और लुक वगैरह जो है कुछ बढ़िया से देखने के लिए मिल जाती है। अभी दोस्तों मैं हूँ 60 की स्पीड पर और ऐसा सा कुछ आपको साउंड देखने के लिए मिल जाता है 60 की स्पीड पर। यार पैडिंग कितनी सॉफ्ट है यार इसकी, मतलब एक होता है कि जब आप हेलमेट पहनते हो तो आपको लगता है कि टाइट सा है ना, बाकी लुक वगैरह बहुत बढ़िया है। और जो इसके वेंट दिख जाते हैं भाई साहब, ये जो है एडजस्टेबल है, अभी खोल दिया है तो हवा अच्छी सी आ रही होगी और आई होप जो साउंड है आपको बढ़िया आ रहा होगा। और अभी हम मैं थोड़ा सा इसको बका के दिखाता हूँ आपको कि भाई कैसा लगता है मुझे। ओके, काफ़ी अच्छे से यार जो है ना नॉइस जो है काफ़ी कम आ रहा है। और अभी मेरी जो स्पीड है दोस्तों ये है, अभी मैं हूँ 100 की स्पीड पर, और अभी दोस्तों मैं हूँ 100 की स्पीड पर और सही है भाई, एयर फ्लो काफ़ी अच्छा हो रहा है इस हेलमेट में, तो मुझे गर्मी नहीं लग रही है यार, ये चीज़ बढ़िया है भाई। तो गर्मी नहीं लग रही है, एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है इस हेलमेट के साथ में, मज़ा आ रहा है भाई इस हेलमेट को पहन के चलाने में यार, सही में। इसका जो प्राइस है दोस्तों, आपको SNK का जो हेलमेट है ये है स्टेलर वेरिएंट, इसका जो प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाता है वो आपको दिख जाता है लगभग 3,000-3,500 से लेकर 4,000 तक, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है और उसके हिसाब से बढ़िया है। इस हेलमेट की लुक का भाई मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि इसका स्पॉयलर देखोगे ना भाई साहब कितना बड़ा स्पॉयलर है और कितना लाइट वेट है यार, लाइट फील हो रहा है यार, काफ़ी लाइट हो रहा है, ठीक है? हाईवे पे हूँ और इतना तेज़ विंड नॉइस नहीं हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल सा हेलमेट जो है ये फील हो रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी मुझे SNK के हेलमेट की। और अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ये जो हेलमेट है ISI प्लस DOT प्लस ECE सर्टिफाइड हेलमेट है, तो सेफ्टी के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी पूरी मिलेगी। और SNK जैसा आपको ब्रांड दिख जाता है, SNK यार एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है और बढ़िया चीज़ है भाई। एक बार और चलाऊँ तेज की मैं, तो ये मेरी बाइक चल रही है 100 की स्पीड से, और दोस्तों फिर ना भी साफ फील ही कर सकते होंगे माइक में, सही लग रहा है यार। मतलब यूजुअली क्या होता है ना, जो थोड़े सेफ्टी वाइज हेलमेट अच्छे होते हैं ना वो थोड़े कंजेस्टेड से होते हैं, थोड़े बहुत टाइट से, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है उनके साथ। इसके साथ इसकी पैडिंग ऐसी है, मुझे सॉफ्ट लाइट सा फील हो रहा है, तो इतना कुछ मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है, इनफैक्ट मज़ा आ रहा है इसके साथ चलाने में। एयर फ्लो वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लग रही है दोस्तों। बाकी एक बार लुक फिर से देख लो भाई, लुक के वैसे है इस लुक के वैसे, और जो लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है इसके साथ वो आपको क्विक रिलीज ही देखने के लिए मिल जाता है, तो सही चीज़ है। मोटर ब्लॉगिंग के हिसाब से भी जो है ये हेलमेट ठीक ठीक है।
आप यहाँ पर जो है अपना GoPro माउंट कर सकते हो और एडजस्टेबल वेंट है तो इसको खोल या बंद कर सकते हो, तो हिसाब से ठीक ठीक है दोस्तों। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड हम आपसे मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अगेन दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।